तो फाइनली भाई लोग Realme अपने Realme GT न्यू सीरीज में अपना एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है चाइना में। जी हां गाइस, जो कि होने वाला है Realme GT न्यू 2। और बेसिकली जो स्मार्टफोन है वो हमारे इंडिया में भी काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है। बताइए जरा कि ये अक्टूबर की मिड में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। पर बेसिकली जो भी हो यार, इस स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशन, गेमिंग टीजर्स, रिव्यूज एंड रेंडर्स वगैरह बाहर निकल के आ चुके हैं। उसी के बेसिस पे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले Realme GT Neo 2 के गेमिंग रिव्यू के बारे में और जानेंगे कि यार आज की वीडियो में कि फोन गेमिंग में कैसा होने वाला है, क्या बीस लेवल का स्मार्टफोन होने भी वाला है भी या नहीं, या हीटिंग कितनी देखने को मिलती है, जायरोस्कोप कैसे देखने को मिलता है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो भाई लोग इसी कारण से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके हमारी आज के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखा Realme GT Neo 2 के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो हम आखिर में डिस्कस करेंगे ही, पर सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में कि भाई ये फोन एग्जैक्टली गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो इसलिए अभी के टाइम के लिए हम इस थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन को रखते हैं साइड पे और आ जाते हैं हमारी एक्चुअल गेमिंग रिव्यू पे। तो लिटरली हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं PUBG मोबाइल को, बेसिकली BGMI को, एंड दोनों में ही यहाँ पे आपको जो बाय डिफॉल्ट में ग्राफिक्स जो देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी स्मूथ में एक्सट्रीम। जी आ गए, इसे आपको स्मूथ में एक्सट्रीम ही देखने को मिलेगा बाय डिफॉल्ट। बट श्योर रखिए कि यहाँ पे आपको जो टी-शर्ट देखने को मिलता है वो स्मूथ और 90fps भी काफ़ी ईजी तरीके से हैंडल कर सकता है, क्योंकि वो वेल ऑप्टिमाइज्ड चिपसेट है। पर बेसिकली अभी के टाइम के लिए यहाँ पे आपको स्मूथ और एक्सट्रीम देखने को मिलता है। पर वही बात करते हैं इस फोन के हाईएस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको बैलेंस में एक्सट्रीम, एचडी में एक्सट्रीम एंड एचडीआर में भी आप इस फोन में एक्सट्रीम ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाओगे। एंड अल्ट्रा एचडी की बात करते हैं तो भाई अल्ट्रा एचडी में तो भी आप फिलहाल अल्ट्रा ही ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाओगे। पर अच्छी बात यह है कि इस फोन में आपको कोई भी लैग वाला इश्यू देखने को नहीं मिलता है, कोई भी ग्राफिक्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है। इवन यहाँ पे आपको रेंडरिंग को लेकर भी कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलता है। पर बात आती है 60fps की स्टेबिलिटी के बारे में, तो भाई 60fps की स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इनसेन लेवल की देखने को मिलती है। बट एग्जैक्टली किस टाइप की देखने को मिलती है उसी के तो बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करती है स्मूथ एक्सट्रीम के गेम प्ले के बारे में, टीडीएम एंड इरांगल के बारे में। तो देखो यार 60fps के गेम प्ले में यहाँ पे आपको टीडीएम में कभी भी कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल प्रॉपर 60fps में आप गेम प्ले कर पाओगे, बिल्कुल प्रॉपर 58, 59 और 60 के बीच में इसके जो FPS है बिल्कुल ऑल द टाइम आपको हॉवर करते हुए दिखाई दे ही देंगे टीडीएम में। और वही बात करते हैं इरांगल के बारे में, तो भाई इरांगल में भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे भी जो फोन है वो बिल्कुल 58, 59 और 60 के बीच में हॉवर करते हुए दिखाई दे ही देगा। हाँ कभी कभी इसके FPS 57, 56 तक जाते हैं क्लोज कॉम्बैट में, पर मोस्ट ऑफ द टाइम 58 से लेकर 60fps आपको देखने को मिल ही जाएंगे इस स्मार्टफोन के साथ में। तो भाई टीडीएम एंड इरांगल में यहाँ पे आपको 60fps के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल प्रॉपर 60fps में आप गेम प्ले कर पाओगे Realme GT Neo 2 इस स्मार्टफोन के साथ में। पर वही बात करते हैं एक्चुअल गेमिंग टेस्ट के बारे में, यानी कि सैनोक के बूट कैंप के बारे में, क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई वहाँ पे होता है असली टेस्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एनिमीज जो है वो एक साथ उतरते हैं और इसी कारण से वहाँ पे इंटेंस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो भाई क्वेश्चन तो निकल के आएगा कि क्या Realme GT Neo 2 का ये बड़ा फोन भी सैनोक के बूट कैंप में 60fps के गेम प्ले में फ्रेम की फ्लक्चुएशन करेगा या नहीं। तो देखो यार अगर आप इस फोन के साथ में सैनोक का बूट कैंप करोगे और जब आप प्लेन से जंप करोगे तो उस टाइम पे तो वहाँ पे आपको अप टू 54 FPS तक का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा जैसे आप प्लेन से जंप करोगे तो। लेकिन अच्छी बात है कि वो लैंड करते करते विद इन सेकंड फटाक से रिकवर भी हो जाते हैं और इसके पास फिर से 55 से लेकर 60 के बीच में आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन सपोज टू बी जब आप लैंड कर चुके हो और आप बहुत सारे एनिमीज के सराउंडेड हो और अगर आपको क्लोज रेंज में फाइट लेना पड़ रहा है तो भी उस इंटेंस सिनेरियो में ये जो स्मार्टफोन है वो आपको बिल्कुल प्रॉपर 57 से लेकर 60 FPS प्रोवाइड करके देता है। जी है गाइस, हालांकि कभी कभी इसके FPS जब 55 तक चले जाते हैं पर आपको 95% तक ये जो फोन है वो 57 से लेकर 60 के बीच में हॉवर करते हुए दिखाई दे ही देगा क्लोज कॉम्बैट में। तो भाई टीडीएम इरांगल या फिर सैनोक का बूट कैम ही क्यों ना ले लीजिए, यहाँ पे आपको 60fps के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है Realme GT Neo 2 इस स्मार्टफोन के साथ में। बिल्कुल कांस्टेंट 60fps में आप गेम प्ले कर पाओगे। और यही नहीं भाई, अगर आप SDR XT में भी गेम प्ले करोगे तो यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सैनोक के बूट कैंप में 55 से लेकर 60fps देखने को मिल जाएंगे। हाँ कुछ कुछ रेयर कंडीशन में इसके FPS 53, 52 तक जाते हैं XDR और XT में, पर मोस्ट ऑफ द टाइम 55 से लेकर 60fps देखने को मिल जाएंगे सैनोक के बूट कैंप में इस स्मार्टफोन के साथ में। तो भाई आप इसे वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन कह सकते हो
गेमिंग के लिए। बस यहाँ पे कमी एक ही है कि यहाँ पे आपको 90 FPS अभी फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिलता है। बाकी बात करते जायरोस्कोप के बारे में, तो भाई अगर आप एक जायरो प्लेयर हो तो इसके जायरोस्कोप से रिलेटेड आपको कभी भी कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल बटरी स्मूथ इसका जायरोस्कोप आपको देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल भी डिले आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। और वही बात करते हीटिंग के बारे में, तो सरप्राइजिंगली जो फोन है वो ज्यादा हीट बिल्कुल भी नहीं होता है। जी हां गाइस, अगर आप इस फोन में एक या डेढ़ घंटे की भी ऊपर की गेमिंग कर लोगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री या फिर 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है, 36 या फिर 37 एम्बिएंट टेम्परेचर पे। तो हीट मैनेजमेंट भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी दमदार भी देखने को मिलने वाली है। पर जो भी हो यार, बात करते हैं रियलमी GT न्यू 2 के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो भाई लोग अभी आप देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 120Hz की रिफ्रेशिंग रेट वाला एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले। अब मे बी यहाँ पे E4 एमोलेड डिस्प्ले भी हो सकता है, बट स्टिल अभी तक बताया जा रहा है कि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, वो भी 360Hz तो सैम्पलिंग रेट के साथ में विद HDR 10 प्लस के साथ में। LPDDR4X या फिर LPDDR5 एंड UFS 3.1 ROM का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। जी अगर इस पर डेफिनेटली दोनों में से कोई भी देखने को मिले, आपको गेमिंग में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, पर ज्यादा मेजर इम्पैक्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको LPDDR5 RAM देखने को मिल सकती है। पर वही बात करते हैं इस फोन के मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट के बारे में, जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर। तो गाइस बता दूं, इस फोन में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 870 चिपसेट। जी हां गाइस, स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट हम सभी को पता है कि भाई काफी ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज चिपसेट है, काफी सारे स्मार्टफोन के साथ में आ चुका है, इसकी परफॉर्मेंस भी हमने देख चुकी है कि काफी वेल ऑप्टिमाइज एंड काफी तगड़ा ये चिपसेट है। लिटरली आपको स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट जितनी ये परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करके देता है। 7 नैनोमीटर पे बेस्ट एंड डुअल 5GB ये चिपसेट है। एंड वही बात करते हैं इस फोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो भाई बताया ये जा रहा है कि जो फोन है वो हमारे इंडिया में लिटरली 35,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हो सकता है। तो भाई हम सभी को पता है कि भाई रियलमी की तरफ से अभी तक स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट के साथ में कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि स्मार्टफोन काफी पॉपुलर भी हो जाए, बट स्टिल अगर ये 35,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होता है तो मुझे नहीं लगता कि अरे वैल्यू फॉर मनी होगा। अगर ये 30,000 रुपीज के अंडर लॉन्च होता है तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है। पर हम सभी को पता है कि भाई 35,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में काफी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं मार्केट में। बाकी आप सभी को पता होगा कि भाई Realme GT Master Exploration Edition हमारे इंडिया में अब लॉन्च नहीं होने वाला है, यह ऑफिशियली कन्फर्म्ड हो चुका है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।